नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वसा में घुलनशील विटामिनों के स्रोत, उनके केमिकल नेम, उनसे होने वाली बीमारियां और उनके कार्य। आज डिस्कस करेंगे जल में घुलनशील विटामिनों का, और जल में घुलनशील विटामिन जो है वो कॉम्प्लेक्स के रूप में है, यानी ये तो विटामिन बी का ही बहुत सारा समूह है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 जो कॉम्प्लेक्स के रूप में पाई जाती हैं, और फोलिक अम्ल, विटामिन एच तथा विटामिन सी, ये कुछ विटामिन ऐसी हैं जो जल में घुलनशील है। तो एक एक का विस्तार से जिक्र करते हैं। सबसे पहले विटामिन B1 को केमिकल नेम के रूप में थायमिन के रूप में जाना जाता है, इसे थायमिन कहते हैं। और ये हरी फलीदार सब्जियों में, फलीदार सब्जी जैसे सोयाबीन, आपका सेम, इन जैसी सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, अंडे, अनाज के छिलके, यीस्ट और यकृत मांस तथा दूध, अनाज के छिलके अर्थात जो चोकर हम उतार देते हैं गेहूं का आटा छान के, बहुत से लोग खाते हैं, ये तो बाहर ही निकल जाता है, फिर ये आपको नसीब नहीं होगा। तो अनाज का जो आटा है वो बिना छना खाना चाहिए, धोकर उसको अच्छी तरह से पिसवा कर उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके जो कार्य है वो कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्य करती है, को एंजाइम के रूप में कार्य करती है, उसको डाइजेशन करने में हेल्प करती है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाती है, तंत्रिकाएं कभी कभी छीन हो जाती हैं, यानी आदमी को सोचने समझने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो ये था भाई विटामिन B1। विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, हरी पत्तेदार यीस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत मांस आदि में पाई जाती हैं, शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है, एमिनो अम्लों के निर्माण के उपापचय में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, और FAD से एंजाइम का ये एक छोटा सा भाग है FAD। और इसकी कमी से जो होने वाले रोग है वो किलोसिस, होठों का फटना, ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन आना या जीभ में छाले पड़ जाना, और डर्मेटाइटिस अर्थात त्वचा का कटना फटना, जैसे आपने देखा होगा त्वचा फटी फटी सी हो जाती है, रूखी हो जाती है, तो वो सब विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट विटामिन है B3। B3 टमाटर, मूंगफली, यीस्ट, दाल और मछलियों आदि में पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स तथा एमिनो अम्लों के ऑक्सीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, और श्वसन में प्रयोग होने वाले सह एंजाइम का ये एक भाग है। इसकी कमी से जो इम्पोर्टेंट बीमारी है वो है डर्मेटाइटिस अर्थात त्वचा का रोग, शरीर की सामान्य अवस्था को प्रभावित करती है, त्वचा खुरदरी, कहीं से सफेद, कहीं से काली, इस तरह की चित्तेदार दिखाई देने लगती है विटामिन B3 की कमी से, जिसे हम पेंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं। चौथी विटामिन इम्पोर्टेंट विटामिन B5, जिसे PP के नाम से भी जाना जाता है, या निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक एसिड इसका केमिकल नेम है, मांस, यकृत, यीस्ट, अनाज, दाल तथा मछलियों में पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट तथा एमिनो अम्लों के ऑक्सीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो है पेलाग्रा, जीभ व त्वचा पर पपड़ी जम जाना, और ना तो खाने में टेस्ट रहता, ना ट्विस्ट रहता, कोई टेस्ट ही नहीं आता, चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा लें। तो विटामिन B5 निकोटिनिक अम्ल। इसके बाद विटामिन B6, जिसे पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, शुष्क फल अर्थात ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू, किशमिश, सुवारे, ये सब आते हैं, दूध, सब्जियां, अनाज, मांस, यीस्ट, और इसका जो कार्य है वो है एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय, प्रोटीन के डाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसकी कमी से होने वाली बीमारियां एनीमिया और डर्मेटाइटिस, एनीमिया अर्थात रक्त में लौह तत्व की कमी होना या रक्त की कमी होना एनीमिया कहलाता है, डर्मेटाइटिस चर्म रोग, वजन में कमी आना, कभी कभी कमजोरी आ जाती है, आदमी का वजन घटना शुरू हो जाता है विटामिन B6 अर्थात पायरिडॉक्सिन की कमी से। नेक्स्ट विटामिन नंबर 5-6 विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोब्लोमिन के नाम से जाना जाता है, केमिकल्स नेम है साइनोकोब्लोमिन, और ये यकृत, मांस, मछली, दूध, अंडा आदि में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लाल रुधिराणु तथा
न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में सेहेंजाइम के रूप में काम करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स अर्थात डीएनए आरएनए के जो बेस मॉलिक्यूल्स हैं उनके निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है, प्रणाशय रक्त अल्पता कहते हैं परनीशियस एनीमिया को, और रक्त की जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें फोलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरे पत्तेदार सब्जियां यकृत, सोयाबीन, अंडा, गुदा, यीस्ट आदि में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्लों का उपापचय, शारीरिक वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। प्राय जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें फोलिक एसिड की कमी होती है, और हमारी जो CHC है अर्थात केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली डिस्पेंसरियां है उनसे उन्हें गोलियां दी जाती हैं। प्रतिदिन एक गोली लेने के लिए बोला जाता है, वो फोलिक एसिड की गोलियां होती हैं। सामान्य तौर से जो बच्चियां युवा अवस्था में होती हैं, एडोल्सन में प्रवेश करती हैं अर्थात जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, उनमें भी फोलिक एसिड की कमी बन जाती है, तो उन्हें भी ये गोलियां खा लेनी चाहिए। उससे फोलिक एसिड की कमी दूर हो जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट विटामिन एच और बायोटिन जिसे हमने कहा है, टमाटर, यीस्ट, मूंगफली, अंडा, यकृत, वृक आदि में पाई जाती है, और ये वसा संश्लेषण तथा ऊर्जा उत्पादन में सहायक होती है। इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना, तंत्रिकीय विकार। तंत्रिकीय विकार का मतलब है कि आदमी की सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, सोचता कुछ है भूल जाता है जल्दी जल्दी, इस तरह की बीमारियां उसको डेवलप हो जाती है। और लास्ट विटामिन जल में घुलनशील है भाई, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में, एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। जितनी भी सिट्रेसी फैमिली है, नींबू, आंवला, मौसमी और आपका संतरा, हरी सब्जियां, रसीले फल, सब में ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्रैब्स चक्र में सहायक है। कोलेजन तंतुओं के निर्माण में, दांतों के डेंटाइन के निर्माण में, अस्थियों के मैट्रिक्स के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कर्वी रोग, मसूड़ों से रुधिर स्राव तथा भार में कमी आना, ये इसकी बीमारियां हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जल में घुलनशील सभी विटामिन, इनको आप समय समय पर लेते रहें, भोजन में प्रचुर मात्रा में लेते रहें तो आप स्वस्थ बने रहेंगे, और हमारे चैनल को देखते रहिए तो आप विद्वान बने रहेंगे। पढ़ते रहे, हमारे चैनल को देखिए, जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, यदि कोई आवश्यकता आपको है तो उसको आप कमेंट्स के रूप में पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।